नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस द्वारा आगामी 15 दिनों में किए जाने वाले जनसंपर्क को लेकर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि महाजनसंपर्क अभियान चलाकर अगले 15 दिनों में 230 विधानसभा सीटों तक पहुंचेंगे। कांग्रेस के महाजनसंपर्क अभियान से हम अपने वचन पत्र और संदेश को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रचार हम फ्रंट फुट पर कर रहे हैं। हम न सिर्फ शिवराज जी के 18 साल के कुशासन का पर्दाफाश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अगले 15 दिनों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 22 रैलियां करेंगे। वहीं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के भी लगातार प्रदेश में दौरे रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आगामी दिनों में 70 रैली करेंगे और दिग्विजय सिंह 60 रैली करेंगे। साथ ही 30 रैली रणदीप सिंह सुरजेवाला जी करेंगे। एक बड़े मुद्दे से आपको रूबरू करवाएंगी। मैं आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय सुप्रिया जी से कि आपसे हमारी पार्टी की आवाज शेयर करें। आदरणीय सुप्रिया जी, बहुत धन्यवाद। निशा जी, आप सब पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और मंच पे बैठे हुए मेरे साथी और सहयोगियों को भी मेरा अभिवादन। आज 2 नवंबर है और करीब 15 दिन मोटे तौर पर रह गए हैं जब मध्य प्रदेश एक बड़ा बदलाव एक प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनाएगा। तो मुझे लगता है कि आज एक अच्छा दिन है और आपकी जानकारी के लिए आपके साथ हम कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं अपने अगले 15 दिनों के लिए। और कांग्रेस का जो महाजनसंपर्क अभियान है और जो 125 का प्लस का लक्ष्य महान है उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अब करेंगे 150 बार और आ रही है कांग्रेस सरकार। अगले 150 दिन में, जहां से मैं आती हूं, हमारी भाषा में उसको ताबड़तोड़ कहा जाता है, ताबड़तोड़ जनसंपर्क अभियान होने वाला है और हमारे सर्वोच्च नेताओं से लेकर जो सदा वंदनीय कार्यकर्ता हैं उनकी कोशिश यह है कि 230 विधानसभाओं को हम टच करें। और तमाम ऐसे कार्यक्रम अगले 15 दिनों में हैं जो इस महाजनसंपर्क अभियान का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इसमें से करीब 17 ऐसी रैली हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, हमारी नेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी अक्रॉस मध्य प्रदेश के हर छोर में पहुंचकर एड्रेस करेंगी। करीब 17 ऐसी रैली है अगले 15 दिनों में। करीब 70 ऐसी रैली है जो कमलनाथ जी एड्रेस करेंगे। करीब 60 ऐसी रैली है जो दिग्विजय सिंह जी एड्रेस करेंगे। करीब 30 ऐसी रैली है जो हमारे महासचिव प्रभारी मध्य प्रदेश श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी एड्रेस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में हर तरीके से आपको सर्वोच्च नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व के कार्यक्रम से अवगत करा देती हूं। 4 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम कटंगी में और शाहपुरा में होगा। 5 नवंबर को महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम कुक्षी और इंदौर 5 में होगा। 7 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी का कार्यक्रम उज्जैन और ग्वालियर पूर्व में होगा। 8 नवंबर को पुनः महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम सनवेर और खातेगांव में होगा। 9 नवंबर को श्रीमती प्रियंका गांधी जी का कार्यक्रम रीवा में होगा। 9 नवंबर को हमारे नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का कार्यक्रम नई सराय अशोकनगर चंदेरी जबलपुर ईस्ट में होगा और जबलपुर वेस्ट में वो पदयात्रा करेंगे। 10 नवंबर को हमारे पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल जी सतना में कार्यक्रम करेंगे। 11 और 12 को छोटी और बड़ी दीपावली है, आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। उन दोनों दिन हम रैली नहीं कर रहे हैं। 13 नवंबर को राहुल जी पुनः तिमरनी में और फिर उदयपुरा में रैली संबोधित करेंगे और शाम को वो इकबाल नगर भोपाल में पदयात्रा करेंगे। 14 नवंबर को
राहुल जी विदिशा में कार्यक्रम करेंगे और राजनगर खजुराहो में एक रैली को संबोधित करेंगे। 15 नवंबर को पुनः प्रियंका जी दतिया में कार्यक्रम करेंगी। 15 नवंबर को हमारे अध्यक्ष श्री खड़गे जी आमला बितूल में कार्यक्रम करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अतिरिक्त करीब 70 रैली आज से लेकर अगले 15 दिन में श्री कमलनाथ जी एड्रेस करेंगे। करीब 60 रैली श्री दिग्विजय सिंह जी एड्रेस करेंगे। करीब 30 रैली श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला जी एड्रेस करेंगे। इसके अतिरिक्त क्योंकि हमारा जो महाप्लान है, जो महासंपर्क अभियान है, वो 230 विधानसभाओं को टच करने का है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता, जिसमें श्री अरुण यादव जी हैं, श्री सुरेश पचौरी जी हैं, श्री जीतू पटवारी जी हैं, श्री कमलेश्वर पटेल जी हैं, श्री अजय सिंह राहुल जी हैं, श्री कांतिलाल भूरिया जी हैं, श्री उमंग सिंगार जी हैं, श्री ओंकार मार्कम जी हैं, श्रीमती विजय लक्ष्मी साधो जी हैं, श्री सज्जन वर्मा जी हैं, ये सब उन 230 विधानसभाओं को टच करेंगे, जिनका की निर्णय 3 दिसंबर को आएगा, लेकिन मत 17 नवंबर को पड़ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये निर्णायक चुनाव है। ये देश की ही, मध्य प्रदेश की ही नहीं, देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगा। और इसीलिए हमारा महासंपर्क जो अभियान है, वो फुल थ्रॉटल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रंट फुट, फुल थ्रॉटल, प्रचंड कह लीजिए, ताबड़तोड़ कह लीजिए, वो अब से होने वाला है। और हम 230 विधानसभाओं को इसमें टच करेंगे। और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 150 के पार हमारा अंक होगा और हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।